तू यहाँ निकलो यहां से, घर कहाँ है? गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो। आज मैं आपके पास इलाज के लिए नहीं, आप पर एक इल्जाम लगाने आया हूं। Psychiatrist in Varanasi. The best psychiatrist in Varanasi. The best psychiatrist in Varanasi. The best psychiatrist in Varanasi. प्लीज दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बस दो मिनट सर, दो मिनट, बस दो मिनट सर। यू आर द बेस्ट साइकेट्रिस्ट सर, यू कैन सॉल्व इट। प्लीज सर रिलैक्स, रिलैक्स। मैंने रोकने की कोशिश की है। दो मिनट सर, सिट जा। क्या देख रहे हो सर? ये सब महिला ही है, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी बीवी, तेरी बीवी सर, मेरी बीवी पागल है सर। सर मतलब जीना मुश्किल हो गया है सर। कहां मुझे एक पत्नी के प्यार की ख्वाहिश थी, कहां मुझे आज उसके लिए पागल डॉक्टर ढूंढना पड़ रहा है। रिलैक्स, ये रोना धोना बंद करो। और क्या हुआ तुम्हारी? सर वो किसी को छोड़ती ही नहीं, वो हर किसी को अपने अपने आसपास अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है, जो मर गए हैं उनको भी। क्या मतलब? वो सारा सारा दिन अपने बच्चे और अपने पिता से बातें करती, उनके साथ घूमने चली जाती है। मतलब तुम्हारी बीबी तुमको समय नहीं देती है? नहीं सर। तो फिर जो बेटा कभी हुआ ही नहीं, जो बाप इस दुनिया में है ही नहीं, उसके साथ कोई कैसे वक्त बिता सकता है? क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, इसीलिए तो आपके पास मदद के लिए आए हैं। सर आप समझिए सर, जिंदगी तबाह हो गई है सर। न दिन का चैन है, न रात का सुकून सर, सब सब तबाह हो गया, सब खराब हो गया। मेरे घर में कुछ सही नहीं चल रहा है सर, सब सब सर आप समझ नहीं रहे सर। सर सर आप ठीक करिए, कुछ कर लेंगे सर। सब ठीक हो जाएगा, सही जगह है। कहाँ है तुम्हारी बीवी? घर पर है सर। उसे अंदेशा है कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला हूँ, बहुत लड़ेगी मुझसे, बहुत झगड़ा करेगी, मैं जानता हूँ। पर सर मेरा डर इससे बड़ा है सर, सर वो कहीं खुद को कुछ ना कर ले सर, सर कुछ हो जाएगा सर, प्लीज कुछ करिए सर, कुछ कर लेगी मेरी बीवी सर, प्लीज कुछ। डोंट क्राई, डोंट क्राई। कौन है? सर मना किया था, फिर भी अंदर ही घुस आए लोग, मना करने के बावजूद भी। कौन है आप? सर मैं इनके वाइफ हूँ। सर माफी चाहूंगी, इन्होंने कुछ गलत व्यवहार तो नहीं किया आपके साथ? सर ये पागल हैं, पागल हैं ये। सर देखिए ना, ये मेरे पिताजी हैं, अब ये इनको जिंदा ही नहीं मानते हैं। क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम बार बार करने के साथ चले जाते हो? घर चलो, घर चलो। सर ये देखिए, सर ये देखिए उनकी रिपोर्ट। सर चलो, ठीक नहीं कर रहे बेटा ये सर। फिर से तुम आ गए, उठो।
चलो बेटा। अरे रुकिए पंद्री जल्दी, मेरे डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बस तुम फिर आ गए। सब मना किया मैंने इनको, फिर भी अंदर घुसे जा रहे हैं। मैंने मना किया था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है। पिछली बार वैसे भी तुमने मेरा बहुत समय खराब किया, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मेरी बीवी पता नहीं किसको पिछली बार अपना बाप बना कर ले आई थी। डॉक्टर साहब आप समझिए, वो पागल है, एक पागल जिसे लगता है कि मैं पागल हूँ जो उसे पागल कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप प्लीज समझिए, मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। तुम्हारी बीवी ने सारे रिपोर्ट दिखाए थे, मैंने खुद चेक किए थे तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स। आपने उन रिपोर्ट्स पे पेशेंट का नाम पढ़ा था? हाँ। क्या लिखा था? अजय सिंह। और मेरा असली नाम है डॉक्टर साहब, मेरा नाम है अजय कपूर। ये देखिए। तुम जाओ। डॉक्टर साहब आप प्लीज समझिए, डॉक्टर साहब प्लीज समझिए, सिचुएशन बहुत खराब है डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम बोलो। डॉक्टर साहब वो ना पूरा दिन मुझ पर ध्यान रखती है कि मैं कहीं किसी साइकेट्रिस्ट के पास तो नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब सिचुएशन ना बहुत खराब है। जैसे कल की बात ले लीजिए, कल वो टेडी बियर होता है सर, वो बच्चों को खिलाने वाला टेडी बियर, उसको लेकर बालकनी में खड़ी थी, खिलाते खिलाते वो टेडी बियर नीचे गिर गया। अब वो खुद भी तैयार है नीचे कूदने के लिए बालकनी से कि मेरा बच्चा नीचे गिर गया है। डॉक्टर साहब वो कुछ भी कर रही है, डॉक्टर साहब पागल हो गया, डॉक्टर साहब मैं खुद पागल हो रहा हूं, मतलब सब क्या हो रहा है पता नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए, रिलैक्स रिलैक्स, उसका इलाज करिए। डॉक्टर साहब डोंट क्राई डोंट क्राई। क्या कर रहे हो फिर से? क्या डॉक्टर साहब, मैंने आपको मना किया था इन्हें बुलाने के लिए, आपने फिर बुला लिया। ये देखिए हमारा बच्चा, ये देखिए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये इसे अपनाते ही नहीं है। दवाइयां तो हमेशा टाइम पे देती हूँ, ठीक ही नहीं होते हैं। अब देखिए फिर से आ गए, उठिए चलिए तुरंत पकड़िए इसे, पापा के पास जाओ जाओ। निकलो यहां से, घर कहां है? गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो। आज मैं आपके पास इलाज के लिए नहीं, आप पर एक इल्जाम लगाने आया हूं। इल्जाम? कैसा इल्जाम? कातिल हैं आप, मार दिया आपने मेरी बीवी को, क्या बिगाड़ा था उसने आपका, क्या कसूर था मेरा? अरे किस बात के डॉक्टर हैं आप, किसने बनाया आपको ये नंबर वन साइकेट्रिस्ट? क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बकवास लगता है आपको यही चिल्लाकर आपसे मदद मांगी थी मैंने, कुछ करिए कुछ हो जाएगा। सुसाइड कर लिया मेरी बीवी ने, और आप जिम्मेदार हैं इसके। आप तो समझ ही नहीं पाए थे कि असली बात क्या है, मसला क्या है, बीमार कौन है। वापस ला पाएंगे उसको आप? मार दिया उसको आप, सुन लेते मेरी बात आप, वक्त रहते बचा लेते उसको आप, पर नहीं, भरोसा ही नहीं किया। समझ ही नहीं पाया कि
आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे बोल रहा था मैं आपसे, सुनिए समझिए समझिए, वो कभी भी कुछ भी करती है, कभी कुछ भी कर सकती है, कर लिया उसने, सुसाइड कर लिया उसने।